प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में जो विभिन्नताएं हैं वो क्या हैं, किस तरह से जिम्नोस्पर्म को हम अलग रखते हैं और किस तरह से एंजियोस्पर्म को हम जिम्नोस्पर्म से विभेद करते हैं, इनका इनके बीच में क्या क्या अंतर है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो लक्षण है जो बिल्कुल साधारण प्रकार का है, यानी जिम्नोस्पर्म के अधिकांश जो पादप हैं, जो इनके स्पोरोफाइट हैं, सारे के सारे गुड़ी होते हैं या काष्ठीय वृक्ष होते हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्म हैं, जो आप आसपास प्लांट देखते हो, उनमें वृक्ष भी होते हैं, सूप भी होते हैं और शाख भी होते हैं, यानी सब तरह के प्लांट पाए जाते हैं। ये काष्ठीय भी होते हैं, कोमल भी होते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे देखने में आता है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है। अब दूसरे हम लक्षण की बात करें तो कुछ एक एंजियोस्पर्म को छोड़कर सभी एंजियोस्पर्म के जो जाइलम हैं उसमें वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स या सहकोशिकाएं पाई जाती हैं, और जबकि एंजियोस्पर्म के अधिकांश समूह को छोड़ दें हम और केवल एक ऑर्डर निटेल्स की बात करें तो उसमें ही जिम्नोस्पर्म के समान वेसल्स और सहकोशिकाएं जाइलम में पाई जाएंगी। इस लक्षण को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न आ जाते हैं इन चीज़ों के, तो आप इस बात को ध्यान रखें, केवल जिम्नोस्पर्म में ऑर्डर निटेल्स में ही वेसल्स और सहकोशिकाएं पाई जाती हैं, बाकी सभी जिम्नोस्पर्म में इसका अभाव होता है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म की जो जिनको पुष्प कह सकते हैं यानी कोन, इनको हम कहेंगे शंकु या स्ट्रोबिलस, ये एकलिंगी होते हैं, और जबकि एंजियोस्पर्म में जो पुष्प हैं, जिनमें जो पुष्प के जो सारे अंग हैं के सी ए जी, कैलेक्स, कोरोला, इसके अलावा स्टेमेंस, ओवरी, यानी बाएं दलपुंज, अंडाशय और पुंकेसर पुमंग, ये जो सारे अंग हैं वो सब पाए जाते हैं, और अधिकांश जो एंजियोस्पर्म हैं वो द्विलिंगी होते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है जिम्नोस्पर्म के बीच में और एंजियोस्पर्म के बीच में। जो अगला डिफरेंस है वो हमें देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म के जो बीजांड हैं वो सारे नेक्ड होते हैं, और जबकि एंजियोस्पर्म में जो ये है वो अंडाशय भित्ति, जो अंडब से बनती है, उससे ढके होते हैं, और इस तरह से में फल बनते हैं और इनमें फल नहीं बनते हैं, इनमें बीज होता है जो नेक्ड होता है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म जो अंडब हैं वो संयुक्त रूप से होते हैं अथवा अलग अलग जायंग बनाते हैं, जो अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र में विभेदित होते हैं, परंतु जिम्नोस्पर्म में अंडब के समान ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है कि जिन दोनों समूहों में विभिन्नता यहाँ पे दर्शाता है। इसके अलावा आगे के लक्षण में बात करें, यानी जिम्नोस्पर्म के जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें अनेक आर्केगोनियम स्त्रीदानियां पाई जाती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में पूर्ण रूप से इनका अभाव होता है। ये अंतर भी एक महत्वपूर्ण अंतर है जिम्नोस्पर्म के बीच में और एंजियोस्पर्म के बीच में। इसके अलावा जैसे कि आप अभी तक पढ़ते आए हो, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिन संलयन होता है, इसलिए इनका जो भ्रूणपोष है वो होता है त्रिगुणित पाया जाता है, जबकि
जिम्नोस्पर्म में जो उसका भ्रूण पोष है उसका विकास बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए उनका जो भ्रूण पोष है वो अगुणित प्रकार का होता है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर भी जिम्नोस्पर्म दोनों में दिखाता है एंजियोस्पर्म में। इसके अलावा हम एक अंतिम अंतर की बात करें तो जिम्नोस्पर्म के युग्मनज में मुक्त केंद्रक विभाजन होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के जो जाइगोट है इसमें इस प्रकार के विभाजन नहीं पाए जाते हैं। इन सभी जो अंतर आपने पढ़े इन सभी के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि जिम्नोस्पर्म एक अलग समूह है और उसका विकास एंजियोस्पर्म से पहले आया है। ये मीसोजोइक जुरेसियक काल या पैलोजोइक महाकल्प की प्रमुख डोमिनेंट वनस्पति थे और उसके बाद में जो वर्तमान में जो समय चल रहा है उस समय में एंजियोस्पर्म वर्तमान काल की एक प्रमुख वनस्पति के रूप में आज हमारे सामने मौजूद है। जितने भी हमारे सामने जो प्लांट दिखाई देते हैं अधिकांश प्लांट सारे ही एंजियोस्पर्म हैं। अभी तक हमने हमारे इस वीडियोस के द्वारा पहले बताए गए वीडियो में जिम्नोस्पर्म की होरिजन, उनके सामान्य लक्षण, जिम्नोस्पर्म की टेडोस्पर्स से जो टेडोफाइट्स हैं उनसे समानताएं, उनसे असमानताएं, जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म से समानताएं असमानताएं आदि सभी अभी तक आपको बताया है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जिम्नोस्पर्म के बारे में आपको काफी कुछ पता चल चुका है। अब हम अगले इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एक एक मेंबर के बारे में जो आपके सिलेबस है तथा आप लगातार हमारे वीडियो को जो मेरा वीडियो जो भी दे रहा हूँ इसके बारे में देखते रहिए। इसके बारे में जो भी आपको लगता है वो व्यू लिखिए, आप हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।